हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी दुआ से मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय चैनल उड़िया कुकिंग विद यास्मीन में आप सबका वेलकम है। आज मैं बनाऊंगी पनीर टिक्का। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पनीर टिक्का के लिए लिया है 200 ग्राम लिया है हमने पनीर। अब इसे छोटे छोटे पीसेस पे, जैसे क्यूब पीसेस में हम इसे कट कर लेंगे। बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत जल्दी बन जाता है। आप ज़रूर बनाइए, मेरे साथ शेयर कीजिए। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जैसे कि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। चलिए इसका मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, मैंने पहले थोड़ा कैप्सिकम ले लिया है, इसे भी ऐसे क्यूब पीसेस पे कट कर लिया है। ओनियन भी कट कर लिया है। भुना हुआ बेसन है, आप विदाउट भुना हुआ बेसन भी आप ले सकते हैं। ये अमचूर पाउडर, ड्राई मैंगो पाउडर, कड़ है 2 टेबलस्पून कड़ है, पेपर पाउडर 1 टीस्पून, ये अजवाइन है 1/2 टीस्पून, अजवाइन 1/2 टीस्पून, ब्लैक सॉल्ट है, लेमन जूस है 1/2 टीस्पून, ये थोड़ा सा कसूरी मेथी ड्राई, एंड थोड़ा सा है 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, एंड 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, और 1 टेबलस्पून या 1.5 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर है। जैसे कि हमने इस पे और ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल और सॉल्ट टू टेस्ट। पहले हम ले लेंगे कर्ड, अब इस पे डालते जाएंगे हम एक एक पाउडर मसाला। हमने अमचूर पाउडर, अजवाइन, पेपर पाउडर, ब्लैक सॉल्ट एंड व्हाइट सॉल्ट दोनों लेंगे हम, लेमन जूस, इसे हमने थोड़ा सा ड्राई कर लिया था, भून लिया था थोड़ा और उसे पाउडर बना लिया था, कसूरी मेथी एंड कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर एंड रेड चिल्ली, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर। इसलिए कि हमें इस पर किसी भी तरह का कलर ऐड नहीं करना है, आप चाहे तो कलर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये कश्मीर रेड चिली पाउडर जो है इस पर ही अच्छी तरह अच्छा सा एक कलर आ जाएगा इस पर। और डालेंगे हम 1 टेबलस्पून डालेंगे बेसन, अब भुना हुआ या विदाउट भुना हुआ किसी भी तरह का बेसन ले सकते हैं। ये हमारा जो पनीर का मिक्सचर है वो थोड़ा ठीक हो चुका है, इस पर और थोड़ा सा दही ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। बस इस पर हमने अभी सॉल्ट डाला नहीं है, इस पर सॉल्ट ऐड करेंगे और हमें इसमें मस्टर्ड ऑयल डालना है। गैस के फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है। 1 टेबलस्पून हमने लिया है मस्टर्ड ऑयल और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया है, जैसे कि इसका जो स्मेल होता है ऑयल का वो चला जाएगा सॉल्ट से। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है अच्छी तरह से। अब गैस के फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। इसे थोड़ा सा वो रूम टेम्परेचर पे आने के बाद ना हम इसे मिक्स कर लेंगे, क्योंकि मिक्सचर में ऑलरेडी हमने ब्लैक सॉल्ट डाला है, अमचूर पाउडर डाला है, ऑलरेडी हमारा इस पर थोड़ा नमक है और थोड़ा सा नमक हम इस पे ऐड करेंगे। अब इस पे ऐड कर देंगे ऑयल। अब कलर देखिए कितना अच्छा कलर हमारा आया है। मसाला को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब इस पे ऐड कर लेंगे पनीर। अब इस पर ऐड कर देंगे हमारा कैप्सिकम और ओनियन। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे एक दूसरे के साथ में। मिक्स करके इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और ये हमारा जो कैप्सिकम ओनियन एंड पनीर का मिक्सचर जो है हमारा मैरिनेशन, ये अच्छी तरह से टिक्का मैरिनेशन अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। पनीर हमारा मैरिनेशन होते हुए 15 से 20 मिनट हो चुका है। अब इसे हम फ्राई करने के लिए तैयार करेंगे। हमने इसे बैम्बू स्टिक ले लिया, इजीली मार्केट पे मिल जाता है, लोकल मार्केट पे। अब इस पर लगा देंगे हमारा पनीर, कैप्सिकम एंड ओनियन।
इसके साथ में कैप्सिकम और ओनियन का कॉम्बिनेशन जो है बहुत अच्छा रहता है, आप ज़रूर ट्राई करें एक बार। इसे थोड़ा गैप छोड़ते हुए हम इसे देखें, अच्छी तरह से मेरे हाथों को देखें कैसे मैं लगा रही हूँ। इस तरह हम 3 से 4 स्टिक हम इसे लगा लेंगे पनीर टिक्का। अब इसे यह हमारा स्टिक पे लग चुका है पनीर टिक्का कैप्सिकम और ओनियन के साथ में। अब इसे हम फ्राई पैन पे फ्राई करेंगे। गैस के फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है, पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब इस पे ऐड कर देंगे हम थोड़ा सा घी, ऐड कर देंगे, अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। आप कोशिश करें हमेशा ग्रिल पैन सॉरी नॉनस्टिक पैन लेने के लिए आप कोशिश करें, इससे बहुत अच्छा बनता है। अब इस पे हम ऐड कर देंगे हमारा जो चिकन सॉरी पनीर टिक्का है उसको ऐड कर लेंगे। फ्लेम हमारा लो है, लो फ्लेम पे हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, रोटेट करते हुए हर तरफ से इसे घुमाते हुए हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखिए यह हमारा पनीर टिक्का कितना अच्छी तरह से भून रहा है, चारों तरफ से बहुत अच्छी तरह से ये भून चुका है। देखिए इसे रोटेट करते हुए इसे घुमा लें, घुमाकर अच्छी तरह से भून लें। देखिए पनीर टिक्का हमारा रेडी है। गैस के फ्लेम को हम ऑफ कर लेंगे। अब इसे स्लोली स्लोली एक प्लेट में निकाल लेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यह हमारा बन के तैयार है पनीर टिक्का। इस पर हम डाल देंगे थोड़ा सा हॉट स्वीट सॉस डाल देंगे। अब इसे मैं निकाल कर दिखाती हूँ आपको। देखिए कितना अच्छी तरह से हर तरफ से ये कुक हुआ है। आप घर पे जरूर ट्राई करें। फिर मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय।